हेलो फ्रेंड्स, आज मैं देहरादून रेलवे स्टेशन आया हूँ। आज मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये मसूरी एक्सप्रेस है। ये देखिए, और भी बहुत सारी ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई हैं। अब मैं चलो आपको फ्रंट वाला कैमरा ऑन करता हूँ, उससे दिखाता हूँ सारा। ये देखिए, ये है देहरादून रेलवे स्टेशन और मेरे लेफ्ट में है दिल्ली टू देहरादून मसूरी एक्सप्रेस। छोटे छोटे वेंडर्स हैं यहाँ पे चाय कॉफ़ी के लिए। इनको देख के लगता है लाइफ कितनी टफ है, मतलब चाहे यहाँ पे 6 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, लेकिन ये हमेशा यहाँ पे बने ही रहते हैं जब भी मैं आता हूँ। और यहाँ पे टेम्परेचर जैसा कि देहरादून में हमेशा विंटर में तो हमेशा कम रहता ही है। ये है 140 फोटो देहरादून टू मसूरी एक्सप्रेस। लोग खड़े हुए वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। लेकिन मसूरी एक्सप्रेस के बारे में जैसा मुझे बताया गया है कि ये हमेशा लेट होती है, दिल्ली पहुँचते 8:30 बजा देती है। ये साथ में इसके ये आप देख सकते हैं रोड जा रही है। ये लेफ्ट में मेरे स्टेशन है और राइट में रोड है, यानी ट्रैफिक चलता रहता है। ये मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हूँ और ये राइट में मेरे चीफ पार्सल सुपरवाइजर। और अगर हम देखें इसकी सफाई स्टेशन पे, तो सफाई ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि स्टेशन गंदा है कुछ। ये देखिए, ये अब सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 2। शायद मुझे अंदर जाके ही बाहर पार्किंग में जा पाऊंगा मैं। यहाँ से आप कंप्लीट व्यू देख सकते हैं, ये लेफ्ट में भी खड़ी हुई है, राइट में भी खड़ी हुई है। ये कौन सी ट्रेन है? ये बांद्रा, मुझे आइडिया नहीं है कहाँ जाती है। और ये है इनका मेन सीसीटीवी रूम इंक्वायरी। ये देखिए, और मैं बाहर निकल रहा हूँ, राइट में मेरी इंक्वायरी है और लेफ्ट में है सर्विस विद स्माइल, केवल सैनिकों के लिए। पर बहुत अच्छी थॉट लिखी हुई है, जो जैसा सोचता है करता है वह वैसा ही बन जाता है। यहाँ पर एक वॉल और हुआ करती थी, लेफ्ट में कुछ लिखा था उस पर, लोग जो भी कपड़े पुराने थे नए थे वहाँ पे डाल दिया करते थे, वो शायद इन्होंने यहाँ से हटा दी। मैं देखता हूँ, वो शायद नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे ये किसको कौन सी वॉल बोला करते थे यहाँ पे, नहीं वो यहाँ पर ही हुआ करते थे, अब नहीं है। यहाँ की पार्किंग है और ये कंप्लीट है स्टेशन, ये देख सकते हैं आप। ये सामने आरक्षण केंद्र है। चलो मैं अब अपनी कार के पास आ गया हूँ। ओके, बाय, जय हिंद, गुड नाइट।